रुकिए रुकिए, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? इलेक्शन नजदीक है, आपके गांव से हम वोट मांगना शुरू करेंगे तो हमारी जीत पक्की है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग हमारा साथ देंगे, इस बार भी आप हमको ही वोट दोगे, हमें पूरा पूरा भरोसा है। ए, मैं आप लोगों से कुछ उधार नहीं मांग रहा हूँ जो आप लोग चुप हो गए। साहब जी, हम लोग इतने दिन से आग बंद करके वोट देते थे, लेकिन अब तो दिन बदल चुके हैं। आज के बाद विला जी जिसको वोट देने को कहेंगे हम लोग उसी को वोट देंगे। अचानक तुम लोगों ने ऐसा फैसला क्यों ले लिया? इतने दिन से हम बेवकूफ बन रहे थे, अब हमें बेवकूफ नहीं बनना है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। अब आप लोग जा सकते हैं। बिला जी जिसको वोट देने के लिए कहेंगे हम उसी को वोट देंगे। आप लोग यहाँ से चले जाइए। कांच खोल के क्या देख रहे हो? जाओ नहीं तो यहाँ पानी डाल देंगे। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, भाग जाओ, आप यहाँ से चले जाइए। क्या आप वोट मांगने आए हैं? अरे तुम तो दिल की बात जान गए। राजनीतिक लोग गांव के अंदर हाथ जोड़ के आएंगे तो बस वोट ही तो मांगने आएंगे, और क्या करने आएंगे? इस साल की तरह इस साल भी। साहब जी, हम आपको ही वोट देने वाले थे, मगर अब विलास जी जिसको वोट देने के लिए कहेंगे हम उसी को वोट देंगे। देखो, हम लोगों ने सुबह से पूरा गांव घूम लिया, सब लोग कह रहे हैं विलास जी जिसको कहेंगे उसी को हम वोट देंगे, आखिर बात क्या है? नेता जी, मतलब साफ है, जो नेता हमारे लिए काम करेगा हम लोग उसी की ही बात मानेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने दिल से जवाब दीजिएगा, गरीब लोगों की मदद करने के लिए विलास जी के अलावा कोई और है? बताइए। हमें कोई भी परेशानी होती है तो हमारी परेशानी दूर करता है वो, उसे हमारी बहुत फिक्र है। हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए वो फीस भरता है, उसके जैसा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। विलास जी, आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते, वो सिर्फ सच बोलते हैं और सही करते हैं। हमारी गरीबी को दूर करने वाले विलास जी की बात नहीं मानेंगे तो क्या बात आपकी बात मानेंगे हैं? सुनो, अब हम क्या करें? दूसरा रास्ता नहीं है, हमको डायरेक्ट विलास से मिलना पड़ेगा। अरे वो माला लाना पड़ेगा। क्या बात है, आपकी इज्जत माला से शुरू हो रही है। ये जीत की माला है, इलेक्शन आ गया ना। ये माला तो जीतने के बाद पहनाते हैं। ये माला हमको जिताने के लिए आपको पहनाई है। इस इलेक्शन में हमको आपकी मदद की जरूरत है। इलेक्शन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप जिसको कहेंगे जनता उसी को वोट देगी, इसलिए हम आपके पास आए हैं। पहले इलेक्शन में आप दोनों अलग अलग पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे थे ना? हाँ। और आप अपने भाषण में इसको बेवकूफ बोला करते थे ना? अब तो मैं इसको जीनियस कहता हूँ। पिछले भाषण में तो आपने इसे धोखेबाज और मक्कार तो कहा था। चाणक्य कह रहा हूँ ना। अच्छा, आप उस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में क्या करने आए? पार्टी उस पार्टी से मुझे एक सीट ज्यादा दे रही है। ओहो, एक सीट के लिए आप अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। पुरानी बातें याद करने से क्या फायदा? जिन्होंने आपको वोट दिया ये लोग वही हैं, आपको याद है क्या? आप भूल गए, जो लोग अपने बच्चों के नामकरण के लिए हमेशा आपको बुलाते थे आप उनको भी भूल गए हैं। इनके घर में खाने के वादे हैं, फिर भी आपके जन्मदिन पर पैसा जमा करके आपके लिए अन्नदान करते हैं, उसके बाद भी आप इन लोगों को भूल गए हैं। ये औरत कौन है आप जानते हैं? ये विधवा हो गई है, इसके कारण आप हैं। जब आप दोनों अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे थे तो आप अपनी बातों से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़का कर एक दूसरे से लड़वाते रहते थे। आपको पता है कितनों का घर जलवाया, जिसमें कितने आदमी मारे गए? उसी में से एक आदमी की विधवा है ये औरत। इस माँ का एक ही बेटा था, आप लोगों की अपनी रंजिश में उसकी जान चली गई, आप लोग वोट मांगने आ गए, इसके बेटे के राख की अभी अंतिम क्रिया नहीं हुई है, ये लोग अभी अपना गम नहीं भुला पाए हैं और आप लोग भिखारियों की तरह हाथ जोड़कर इनके सामने आके खड़े हो गए हैं, शर्म नहीं आती? थू! आप लोगों की वजह से कितने लोगों की जाने चली गई है,
लेकिन आप लोगों को उनकी जान की परवाह नहीं हुई। आप तो पैसे की खातिर एक हो गए, लेकिन क्या आप इनके दुखों को मिटा सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे लिए इससे सवाल करने वाला आप जैसा कोई नहीं है, पूछो इनसे। इनका जो जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आप लोगों को भले परवाह नहीं हो, लेकिन मुझे परवाह है। मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। जनता की सेवा करने के लिए आप लोग राजनीति कीजिए, वरना आप लोग राजनीति को आज से ही छोड़ दीजिए। अरे सुनो, विलास ऐसा क्यों कह के गया? छोड़ो ना, ये नहीं तो क्या हुआ, इसका भाई तो है, उसके पास चलते हैं। क्या बोल रहे हो, इसके भाई पर भी लोगों का इतना ही भरोसा है? उसके पीछे पूरा पावर है और काम के लिए नौजवानों का पूरा पूरा साथ है। ठीक है, तो विलास का भाई देशमुख किधर मिलेगा हमको? गीत गाओ आया है शुभ दिन, प्रेम जगाओ मन में खुशी का है ये दिन। मिलके गीत गाओ आया है शुभ दिन, प्रेम जगाओ मन में खुशी का है ये दिन। झूमो नाचो यारो आज दिल से तुम, मस्ती में झूमो आज मिलके तुम। आज सबके दिल में हमें प्यार जगाना है, प्यार के रंगों में हमें रंग जाना है। आया है शुभ दिन, प्रेम जगाओ मन में खुशी का है ये दिन। सबके दुख दूर आज ये करेगा। प्यार से जीना ही जिंदगी का नाम, काम सबके आना ही आदमी का काम। प्यार से जीना ही जिंदगी का नाम, काम सबके आना ही आदमी का काम। अरे लेते रहो तुम सब प्रभु का नाम, जाने कब हो जाए जीवन की ये शाम। कभी भी ना लड़ो तुम, प्यार से रहो तुम, हाँ हाँ बढ़ो तुम, सब मिल के रहो। गीत गाओ आया है शुभ दिन, प्रेम जगाओ मन में खुशी का है ये दिन। सबको जीने दो, करो ना जुल्म कभी और ना सहो। जियो तुम खुद भी यारो, सबको जीने दो, करो ना जुल्म कभी और ना सहो। अरे डरो ना पाप से डरो, जीवन से अपने तुम इंसाफ करो। अरे यारो तुम कभी किसी से ना डरना, मरने से पहले तुम यारो मारना। भक्ति में नाचो सब, भक्ति में नाचो सब, नाचो 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 न
मिलके गीत गाओ आया है ये शुभ दिन, प्रेम जगाओ मन में खुशी का है ये दिन। झूमो नाचो यारो आज दिल से तुम, मस्ती में झूमो आज मिलके तुम। आज सबके दिल में हमें प्यार जगाना है, प्यार के रंगों में हमें रंग जाना है। क्या घूर रहा है अबे? तुम लोग दारू पीकर मंदिर में लड़कियों को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ए, तू पूछने वाला कौन होता है? वो सारी तेरी बहन लगती है क्या? क्या है ये सब? किसी भी कारण से मंदिर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, कहा था ना मैंने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पत्थर की तरह खड़े क्यों हैं? विराज जी, मंदिर में तो कार्यक्रम सही ढंग से चल रहा था, मगर इन लोगों ने दारू पीकर बहुत हंगामा किया। मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मुझे पीटा, तभी देशमुखी ने मुझे बचाया और इन्होंने उनको भी। इनको मारने वाला ये कौन होता है? ये क्या इस गाँव का नेता है? इसकी औकात इस मंदिर में खड़े होने की नहीं है। इसको यहाँ से जाने के लिए कहिए। लेकिन विलास जी, इसको जाने के लिए कहिए। कौन हो तुम लोग? किस गांव के हो? एक लात पड़ेगी तो हड्डियां टूट जाएंगी। अरे इन सबको झाड़ू लाकर दो, पूरा एरिया साफ करो। मुझे कहीं भी एक कचरा नहीं दिखना चाहिए, वरना समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है। देशमुख जी। हाँ
क्या बात है, आप लोग मुझे हार क्यों पहना रहे हैं? आने वाले इलेक्शन में आपकी मदद की जरूरत है। मैं क्या इतना बड़ा आदमी हूँ? हमको मालूम है आपकी ताकत क्या है, अगर आप उतर गए तो कुछ भी हो सकता है ना। लो उतर गया। नहीं नहीं, मैं साइकिल से नहीं इलेक्शन में उतरने की बात कह रहा हूँ। हाँ आप इतना क्यों सोच रहे हैं, राजनीति है? राजनीति के बारे में हम उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हमें बताएंगे। हम जिस काम के लिए आए हैं वो उनको बताइए। पहले हम लोग आपके भाई के पास गए थे, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप विलास जी के सामने किसी भी चीज में कम नहीं है, वही हाइट, वही वेट, वही रंग, कुल मिलाकर वही है आप। अच्छा उन्होंने आपका साथ देने से मना क्यों किया? पहले इलेक्शन में आप दोनों आमने सामने थे, इस इलेक्शन में आप दोनों साथ साथ हो गए, ये कहकर हमको बेइज्जत कर दिया उसने। सिर्फ अपने ही बारे में देखते रहते हैं और आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं। लोगों को खुश रखने की राजनीति करिए वरना राजनीति छोड़ दो, ऐसी बेवकूफी की बातें करता है वो हमसे। बताइए देशमुख जी, आपके भाई को मेरा भाई मुझे कुछ भी बोले उसे हक है, लेकिन उसके बारे में तुम लोगों ने कुछ कहा तो तेरी तो याद रखना। जगह छोड़ो, तुम लोगों को बाद में देखता हूँ। लगता है ये दोनों भाई अलग ही दुनिया के हैं। जना चन जन जन जन, ए ज्यादा मत घिसो वरना गोरी हो जाएगी। ए तुमसे मैं बिगड़ गया, मुझसे तुम बिगड़ गए, आखिर तुम लाके खड़ा कर दिया ना मेरे को भैंस धोने के लिए। क्या कह रहा है, तुमसे मैं बिगड़ गया, मुझसे तुम बिगड़ गए? मैंने कहा था ना डांस खत्म होने पर जाने को, मगर तुमने कहा वो भाई अच्छा फाइटिंग करेगा। ए ये क्या बातें करता रहता है, ये गोबर से कंडा बनाओ। अरे क्या उसे बड़ा बनाना है, उसमें होल मत करो। हाँ? हमको पता है आप बहन लोग बड़ा बनाने में बहुत माहिर हैं, मुझे पता है इसमें आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो, इलेक्शन नजदीक है, अगर हमने आपके गांव से वोट मांगना शुरू किया तो हमारा जीत पक्का होगा, समझे? चलो चलो यहाँ से निकलो। ए क्या डैडी के नाम से मुझे डरा रहा है, दांत तोड़ दूंगी। पापा को आने दो, मैं देखता हूँ। तुम लोगों को कितनी बार मना किया है उसका मुंह नहीं देखना और तुम लोग उसका दांत देखने चले गए। अरे इनको अक्ल नहीं है, तुमको तो अक्ल होनी चाहिए। पापा अगर देखेंगे तो वो डांटेंगे, डांटो पापा। ओहो तुमको इतनी हिम्मत आ गई है, एक लात पड़ेगी तो हड्डी टूट जाएगी। पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटेगी, अब तो शामत आ जाएगी। ए मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो, एमए पड़ी हुई है एमए। चिंटू जितनी भी अक्ल नहीं है तुमको, वहाँ डांस देखने गई थी। हा? विलास क्या हुआ है, ये लोग उसका नाच गाना देखने नहीं गए थे, मंदिर का त्योहार देखने के लिए गए थे, उधर जो कुछ हुआ वो इसकी वजह से नहीं आप हुआ। आप जरा चुप रहिए, थोड़ा भी कुछ हुआ तो सपोर्ट करने आ जाती हैं। आपके जो दोनों भाई लोग हैं ना मालूम है, इनकी ये दोनों बेटियां पता नहीं कैसा परिवार है, ऊपर नीचे कूद रही थी। आपको मालूम नहीं कुछ भी बकते रहती है। अरे शेखर मैं तेरे को क्या पागल लगता हूँ, ये बूढ़ा हाफ ट्राउजर कैसे पहना है ये सोच रहा है ना, मैंने ही तुम दोनों को पैंट पहनाना सिखाया, पता है तुझको? अरे इधर मुड़ के नजर से नजर तो मिला जरा, कौन सा मैकेनिक अपने जेब में इतना पाना लेकर घूमता है। अरे 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 तेरे मुंह को। नाना घर क्यों नहीं आए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ए नाना को घर आने के लिए बोल। क्यों? वो गुस्से में है, आपको इन्होंने मंदिर में नाचने के लिए मना किया फिर भी आप गए, इनका दिल कितना दुख है मालूम है? ए, इनको आने के लिए बोल, इनका गुस्सा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इनको साइकिल पर बैठने के लिए बोल। मिस्टर ओल्ड मैन एक्सक्यूज मी, आपको बुला रहे हैं। ए, ये आ रहे हैं कि नहीं पूछ, मैं एक दो तीन तक गिनूंगा, तब तक इनको साइकिल पर बैठने के लिए बोल। एक दो तीन। संभल कर बैठिए। हाँ चलिए चलिए। अरे वाह वाह बैठ गए, चलो अब तो मेरा मजा ही मजा है। दीदी आजकल गांव में क्या हो रहा है, देखो बुड्ढा साइकिल पे कैसे बैठ के जा रहा है। अभी नाना गुस्सा में है इसीलिए मुंडी पीछे करके बैठा है, गुस्सा एक बार खत्म होने दो फिर देखना इसकी मस्ती कैसी होती है, देखना तू। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, कोई आइटम ढूंढ के लाए, आए आए चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क आए आए कोई आइटम ढूंढ के लाए। दोबारा जो जा रही है ना, वो अपनी जवानी में कैसी लगती थी पता है तुमको, बाल रेशम की तरह लहराते थे,
आँख में काजल लगा के जब वो पतली कमर लचकाती तो जान निकल जाती थी। आए हाय, अपनी उम्र का जरा भी तो ख्याल कीजिए। मुझे तो तुम्हारे आदमी के साथ जाना ही नहीं चाहिए। वैसे उसकी माँ भी आइटम थी। चुप रहिए। ये आदमी पीछे ही बैठा है तो ठीक है, नहीं तो हमेशा पंगा होता रहेगा। हमने देशमुख का नाच देखा है, ये देखकर विलास बहुत गुस्सा हो रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों इन दोनों की दुश्मनी खत्म कर दें। पागल है तू पागल। हुँ? वो दोनों मिल गए तो हम दोनों को अलग कर देंगे। हमको बोला ये कैसा परिवार है, ये सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, भूल जा सब, उसको बोलने दे, जो बोलता है सुनते जाओ। हाँ? हमने एक बहन की शादी इधर कर दी है, अब हमारा पूरा परिवार इधर ही बैठा हुआ है ना, कैसा है हमारा दिमाग। एक छोटा सा लड़का जब इतना होशियार है, जब कल के वो बड़ा होगा तो हमको तो अलग कर देगा ना, उसे तो संभालना ही पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो हमको अलग कर देगा। इसीलिए तो मैं देशमुख को अपने जाल में फंसाना चाहता हूँ। कैसे कैसे उसको फंसाएंगे? तुम्हें अकल है या नहीं, हमारे पास एक एक लड़की है, इनके जाल में उसको फंसाएंगे। सुनिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आई है। बत्ती जली। तुम लोग कुछ भी मत बोलो, खाली बाहर से समर्थन दो। तुम लोग ध्यान से सुनो, हमने अपनी लड़कियों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए शहर भेजा था। वो न इंजीनियर बन पाई न डॉक्टर बन पाई, वापस आ गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इन दोनों को हम प्यार में लगा देते हैं, उनको हर समय देशमुख के पीछे लगे रहने के लिए कहते हैं। मैं बाप हूँ, आगे की कहानी मैं कैसे बताऊँ, और कुछ बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या बात है? 1000 रुपए दीजिए, मैं बाद में देता हूँ। मैं तो तुमको नहीं जानती, तुमको कैसे पैसे दे दूँ? आप मुझे जानेंगे तो आप पैसा दे देंगे। हाँ? ये मेरा आगा, ये मेरा पीछा। मजाक कर रहा है, मेरा पति दुबई में है, उसको आने दे, मैं देखती हूँ तुमको। जो दुबई में उसको कैसे पता चलेगा? चप्पल से मारूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन पैसे दे देना। जिंदगी में कभी कभी लानत भी मिलती है। भाई भाई भाई, आप किधर जा रहे हैं? ए, सुबह सुबह मैं बाहर जा रहा हूँ और तू टोक रहा है, अकल है कि नहीं? क्यों, लड़की देखने जा रहे? नानी का जन्मदिन है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो चलो चलो। हट, तुझे अपना गैरेज संभाल जा। नानी अगर मेरे लिए कुछ दे तो आप अर्जेंट से कुरियर से भेजना। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं गैरेज संभालता हूँ। रामू काका, नानी किधर है? अभी अभी विलास साहब उनको लेकर मंदिर गए हैं। मेरे पहले भैया आ गए। नानी, कैसे हो? नानी, उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो आया है। कौन? वो है, वो देशमुख, उसको देख रही थी। उसको आप क्यों देख रही हो? वो बार बार मुझे घूर के देख रहा था, इसलिए मैं उसे गुस्से से देख रही थी। वो इधर क्यों आया? ऐसे क्यों बोल रहा है? ये मंदिर है, कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं कर सकते। तो भगवान के दर्शन कर, मैं उसे दोबारा घूर के देखती हूँ। नानी, नानी, भगवान की आरती लो। आरती यहाँ लाओ। चलिए चलते हैं। हाँ,
कुछ नहीं, लक्ष्मी की बेटी आई है। हाँ लक्ष्मी कैसी है? अच्छी है ना? अच्छा मैं चलती हूँ। क्यों देशमुख, नानी और विलास गाड़ी में जा रहे हैं ये देखकर तुम आंसू बहा रहे हो? क्या बताएं, उनके पास गाड़ी है और आपके पास साइकिल है, इसीलिए वो आगे हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है, विलास नई नई गाड़ी में जा रहा है और आप अभी भी साइकिल से ही जा रहे हैं। इसकी बात भी सही है, उनके पास गाड़ी वो भी फोर्ड गाड़ी, उसके घर पे जाके देखो 5 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी खराब भी हुई तो दूसरी गाड़ी से जा सकते हैं, अगर रास्ते में गाड़ी पंचर भी हुई तो स्टेपनी तो है। हाँ। क्या आपकी साइकिल में स्टेपनी है? अगर आपकी साइकिल पंचर हुई तो उसको बनाने में कम से कम 1 घंटा जाएगा। आपको देखकर हमारी आंखों में पानी नहीं खून बह रहा है। इसके बारे में तुम्हें नहीं मुझे बोलना चाहिए, तुम चुप रहो। ठीक है। देशमुख, उनका जितना हक है उतना हक आपका भी है, पूरी जायदाद पर दोनों का बराबर हक है। और आप सब कुछ छोड़ करके साइकिल पर ही घूम रहे पागलों की तरह। आपको कुछ राय चाहिए तो हम आपके साथ हैं, और हमारे अलावा भी आपको अगर और राय चाहिए तो हमारी बेटी आपका पूरा पूरा साथ देगी। अरे देशमुख, हम लोगों ने खिचड़ी तो चूल्हे पे चढ़ा दी, बस पकने का इंतजार करो। चलो चलो, खिचड़ी पकने तक रुकना पड़ेगा। भर जा। शेखर, ये क्या भर जा लगा रखा है? बाल्टी भर के जल्दी ला। भाई आप दूसरों को मस्ती वो करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप शादी कर लीजिए। आप शादी क्यों नहीं करते? भाई, अरे भाई कुछ फंस गया भाई। किधर शार्क मछली फंसी है? किधर है, मुझे दिखा। अरे सचमुच शार्क फंसा है। मैं कहाँ हिल रहा है? आप भी पकड़ेंगे तो हिलेंगे। जरा आप भी पकड़िए, पकड़िए। अरे हाथ में ताली काट लेगी। अच्छा तुम लोगो, ए तू चुप कर रहे। तुम लोग पानी के अंदर क्या कर रही हो? पानी के अंदर हमारा सोना गुम हो गया है। वही तो देख रही हूँ मैं। देख तो, हमारे सामने ये भी सोना है। ए, चुप रह। आपको देखकर तो हम दंग रह गए। सचमुच देशमुख गुस्से में बहुत सुंदर लगता है। मैं किधर भी जाता हूँ तुम लोग ग्रह की तरह मेरे पीछे क्यों घूमती हो? हम ग्रह है ना, ग्रह का काम क्या है? घूमना। ग्रह का काम है पीछे पीछे घूमना, इसलिए हम तुम्हारे पीछे घूमते आए हैं। आई बात समझ में? व्हाट ए शेम। ए चुप, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। ए देशमुख, हमें देखकर इसको समझ आया, तुम्हें कुछ नहीं समझ आया? क्या हो रहा है? शकलक बेबी, मुड़ कर देख जरा। इधर आओ। नो। भाई का लड़का बैठा है, गाड़ी खराब हो गई क्या? ये तो मैं सोच रहा था, आपको कैसे पता चला? मैं उतरता हूँ। क्यों ड्राइवर, क्या हो गया? फैन बेल्ट कट गया है, शहर से जाके नया लाना पड़ेगा, तभी गाड़ी चलेगी। चिंटू को बुलाओ, मैं उसे गांव के अंदर छोड़ दूंगा। बाप रे, मैं उसको बुलाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ओहो शेखर, तू बुला के ला। भाई आप है ना, आपके रहते मैं बुलाऊंगा तो कैसे चलेगा? चल जा बुला के ला। आप कैसे चला जाता हूँ, न जाने क्या होगा। अरे मैं बुलाऊंगा तो मेरा नौकरी चला जाएगा, कैसा जवाब दे रहा है तू? अरे तू आदमी है या कोई घन चक्कर है? ये क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए वीरप्पन की तरह मूछ रखे हो? अगर आप में हिम्मत है तो आप ही जाके मुझसे हिम्मत की बात कर रहे हो? हाँ, अभी बताता हूँ मैं कितना हिम्मत वाला हूँ। चिंटू जी नमस्ते। चिंटू जी आपको चाचा बुला रहे हैं, चलिए। सोचिए मत, ट्रैक्टर पर लेके जाएंगे, चलिए। हे ऊपर वाले बचाना मुझे। आइए। आप इधर बैठ जाइए। अब तो मैं इसको जीनियस कहता हूँ, नीचे उतारो। इससे तो भाई ही अच्छे हैं। अब तो आप खुश हैं ना? जाते समय मैंने सोचा था क्यों हम राहु काल से जा रहे हैं। चिंटू जी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ।
अभी तो मैं इसको चाड़ के कह रहा हूँ ना। देख लेना, ये पार्टी मुझे उस पार्टी से ज्यादा दे रही है, एक सीट ज्यादा, ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, याद रखना। मैं घर जा रहा हूँ, मेरे रास्ते पे कोई नहीं आएगा। रुक जाओ, मैंने कहा ना कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आएगा, याद रखना। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे रास्ते पे कोई नहीं आएगा। सुन लो, ये मेरे दादाजी का रोड है, ये पूरी जगह हमारे ही है। ये रोड अगर तुम्हारे नाना जी का है तो इस रोड पर मेरे बाप का भी हक है। जितने एरिया में तुम्हारे नाना जी का हक है उतने ही एरिया में मेरे बाप का भी हक है। इसीलिए जिस चीज पर तुम्हारा हक है उसी चीज पर मेरा भी हक है। नानी ये लो, पिताजी की सारी जायदाद के पेपर हैं। मैंने अब तक सारा हिसाब किताब रखा है, अब तुम्हें कानून के हिसाब से इसका बंटवारा करो। क्या विलास जी, आपने हमको अपने फार्म हाउस में बुलाकर इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों डाल दिया? क्या करूं, एक छोटे बच्चे से बोल रहा है, मेरा रोड पर हक है, खेत पर हक है, जायदाद पर हक है बोल रहा है। अब पता चल रहा है ये क्यों इतना खुश रहता है। यही सारा सपना अपने दिल में सजा कर ये घूमता रहता है। इसी वक्त जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। अरे बाप रे, ऐसा नहीं है नानी, मैं बच्चे से ऐसे ही खेल खेल में बोल रहा था। जिस जायदाद की लालच में मेरे बाप को मारकर मेरी माँ जेल में गई, उसी जायदाद के लिए अगर मेरे मन में लालच है तो मैं समझूंगा मेरी माँ ने सही किया था। मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए नानी। बेटा, जायदाद बटेगा तो रिश्ता भी बढ़ जाता है, ये कहावत है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जायदाद का बंटवारा मत करो। इधर कोई रिश्ता बनाने आएगा तो अच्छा नहीं होगा। आप समझाइए, चुप क्यों है? आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? जायदाद का लेन देन हो तो एक कहेगा मैं जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा, दूसरा कहेगा देना ही पड़ेगा। हम उसके लिए पंचायत रख सकते हैं, मगर इधर तुम जायदाद देने के लिए तैयार हो और वो मना कर रहा है, तो इसमें कौन पंचायत रखेगा? यहाँ पंचायत की कोई जरूरत नहीं है। जब तक इस शरीर में जान है तब तक जायदाद का बंटवारा करने यहाँ पे कोई नहीं आएगा। अगर आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं तो मुझे जिंदा नहीं देख पाएंगे। आपने ये क्या किया विलास, आपको आधी जायदाद देने को तैयार है और आपने लिया नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? सामने से लक्ष्मी आ रही थी, उसे आपने लात मार दिया, ऐसा लगा जैसे आपने हमारे दिल पे लात मार दिया। पूरी रात इन्होंने कहा दिल दुख रहा है, दिल दुख रहा है। वो क्या है ना, डॉक्टर ने तेरे को बदला, देखा वो कोई फ्री में आपको नहीं दे रहा है, उसे पता है आप मना करेंगे, इसलिए उसने हाँ कहा था। वो क्या कर्नल है, चलो अभी जाके मांग के देखते हैं। क्या आपको अपने भाई के सामने विदेशी गाड़ी चलाने में शर्म आती है? तो चलो लंदन चलते हम लोग। उधर लंदन में समुद्र के किनारे की सारी जमीन हम खरीद लेंगे और हम लोग उधर ही बंगला बनाएंगे और वहीं पर उस बंगले में हम रहेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? पहला बंगला मेरा होगा। ठीक है, दूसरा बंगला मेरा होगा। अब क्या सोच रहे हैं आप, आपको कुछ नहीं मिला? अरे बाकी के सब बंगले आपके ही तो होंगे। अब आपको सोचना नहीं है, अब ज्यादा सोचेंगे तो हम दोनों आपके सामने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या कर लेंगे। अब फैसला आपके ऊपर है, हम बचे हमारे। सोलंकी जी, इस नेक काम को आगे मत बढ़ाइए। अब आपको हमारी बात समझ में आई? आ गई अभी अभी। क्या जायदाद का बंटवारा शुरू? शेखर, ये है केरोसिन और मैच बॉक्स। अरे शेखर, पता नहीं इन दोनों को मेरा भाई कैसे संभाल रहा है। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। ए जरा कम सोचा कर। चिंटू, घर पे चार पांच गाड़ी है, फिर भी तुम्हें स्कूल चल के जाने में अच्छा लगता है? वॉकिंग सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है दादी। किसे? मेरे लिए नहीं, आपके लिए। ए चिंटू। ए चिंटू, हाँ? मुझे 10 रुपए चाहिए। क्यों? चाहिए ना? मेरे पास नहीं है। है ना? ए तुम्हें सबकी खबर है, ये लो। अब इसे दान पेटी में डालेगा। ये लो माँ जी, अब जाके कुछ अच्छा खा लेना। भगवान तुम्हें जिंदगी भर खुश रखे। ऐसी क्या देख रही हो दादी? पापा ने कहा है कि गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। ए, दादी आ रही है, वहीं पे रुक जाओ। रुक जाओ वहीं पे, चिंटू वहीं पे रुक जाओ। आप ठीक तो है ना? हम्म,
भाई, अपनी जान पर खेलकर आपने उसकी जान बचाई, और वो है कि आपको एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोल के गई। मेरे पापा कहते हैं कि किसी का भला करना अच्छी बात है, और इस अच्छाई ने मुझे बचाया है। छोटा बच्चा है लेकिन सच कह गया, उसका दान उसको बचा लिया। भाई आप इतने उदास क्यों हैं? वो गुस्से में गए इसलिए? मुझे उसके गुस्से की परवाह नहीं है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने अपने भाई के बेटे की जान बचाई। समझ गया तू? अरे इसे क्या हो गया है, हंस क्यों रही है ये? लगता है पागल हो गई है बिचारी, पता नहीं क्या होगा इसका। अभी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, उसमें हीरो ने जैसा कपड़ा पहना था वैसे ही ये पहन के आ गया। कुछ भी हो, गधा तो गधा ही होता है, ऐसे गधे को तो गधा ही समझ सकता है। आप कंधे में तौलिया रखेंगे तो सब ऐसे ही बोलेंगे। लाओ इधर दो, अंदर छुपा के रखो, चाय वाले को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग तौलिया की बात करते हैं, वो चाय वाले तौलिया के साथ धोती की भी बात करेगा। अब धोती को तो नहीं छुपा सकते, इसलिए चलो चुपचाप से चलते हैं। चलो, ये सब रखने के लिए तुमने बोला था मेरा नाम बोलती हो? क्या अब कुछ नहीं चाहिए, टाइम हो गया, चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी चलना है। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है, जल्दी चलो। गाड़ी चले गई। ए टकले, गाड़ी तो इधर खड़ी है। नहीं वो गाड़ी चली गई, सिनेमा हॉल पे गई है। सिनेमा हॉल पे गया? ए गाड़ी स्टार्ट कर। ए टकलू, तूने ध्यान से देखा ना? हाँ मैंने गाड़ी को भी देखी है, और उसमें तीन लड़कियां बैठी हैं, उसको भी देखा है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो। ए ड्राइवर, लेफ्ट साइड को क्यों ज्यादा खींच रहा है तू? ये गाड़ी इस तरफ किधर जा रही है? Stop! ए, मालूम है मुझे 500 रुपए देना है। अरे नहीं रे, लगता है मैंने इस गाड़ी को पहले कहीं देखा है। ए, अच्छा। हाँ, अभी मुझे याद आया, चार लोग धक्का मार के गाड़ी को ले जा रहे थे, उसमें से एक आदमी ने कहा था ये मिनिस्टर की रखेल की गाड़ी अब है। आगे कुछ मत बोलना वरना। जब मिनिस्टर की रखेल की गाड़ी का ये हाल हो गया तो सोचो मिनिस्टर जब ये देखेगा सोचो उसका क्या हाल होगा। उसका पकड़ो, छोड़ना नहीं उसको। मैंने जब से दीवाना मैं हुआ रे, ओ मेरी जानम रब की कसम, दिल मेरा धड़का दे। मैं तो हो गई दीवानी प्यार में तेरे, मेरी ये सारी जवानी नाम है तेरे। हाँ तू जवा है, मैं हसी हूँ इश्क का मौसम। हाँ दिल लगा ले प्यार कर ले ओ मेरे हमदम। देखे जब चेहरा हसी, जाने क्यों मचलता है मेरा दिल। किसको पता न जाने कब हरे खो जाता है किसका दिल। जाने क्यों पागल दीवाना होता है ये दिल, तेरी जवानी का निशाना बनता है ये दिल।
ए। तुझे मैंने जब से दीवाना मैं हुआ रे, ओ मेरी जानम रब की कसम दिल मेरा धड़का दे। कौन सा गाना गा रही है? एक छोटा सा टॉवल एक घंटे से धो रही है तू। बहुत गंदा है क्या? ये बता, ये टॉवल किसका है? ओ, बहुत शर्मा रही है। लगता है तुझे प्यार हो गया। वन साइड लव है या वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है? ओ, बात इतनी बढ़ चुकी है। ठीक है, शादी की बात कर देंगे। पैसा लेकर हमको सामान दे रहे हो, कोई फ्री में तो नहीं बांट रहे हो? फिर क्यों शक्कर भी कम दे रहे हो, अब सामान कम दे रहे हो? इसको बोलने वाला इस गांव में कोई नहीं है क्या? ये हमेशा नहीं चलेगा। देशमुख जी, आप इधर तराजू लेकर क्यों आए? दिन पे दिन तेरा वजन तो बढ़ता जा रहा है, मगर जो तुझसे सामान ले रहे हैं उनका वजन घटता जा रहा है। इसलिए सही सामान तोलने के लिए लाए हैं हम ये तराजू। क्या आप यहाँ वजन करेंगे? आप जो करने आए वो गलत है, सरासर गलत है। ए, तू गलत कर रहा है, इसलिए तो आए हैं। राशन की दुकान में तो आगे पीछे होता ही है। मैं पूछता हूँ, ऐसा कैसे होता है? क्या गवर्नमेंट आपको राशन कम तोल के देती है? नहीं। क्या आपको पगार कम मिलता है? नहीं। फिर क्यों गरीब आदमी के पेट पर आप लोग लात मार रहे हैं, क्या कारण है? सब राशन वाले करते तो हम भी करते हैं। उनसे ऐसी बातें करते हो? तो क्या तराजू रखने से सब ठीक हो जाएगा? इस देश में बहुत सी राशन की दुकानें हैं, उधर क्या कर लेंगे आप? अब सिर्फ इधर ही नहीं, इंडिया के सारे राशन दुकान में ये तराजू रखने का समय आ गया है। एक बात कहूँ, हमारा पूरा जवान खेमा तैयार है दुकानों में तराजू रखने को। देखा, इसलिए गांव में मेरे जैसे आदमी की क्या? मेरा मतलब है देशमुख जैसे आदमी की जरूरत है। आ रहा हूँ भाई। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने, ये आजकल बहुत उछल रहा है, इसे इस गांव में नहीं रखना चाहिए। छे, इस आदमी को तो देखने से अच्छा है कुएं में कूद करके अपनी जान दे दो, पता नहीं गांव से कब निकलेगा ये। अरे तू क्यों इतना घबराती है? सब्र कर, देशमुख इधर ही से आएगा। इधर से नहीं आएगा तो किधर से जाएगा? अगर वो दूसरे रास्ते से चला गया तो? ओह, ऐसा भी हो सकता है, हमको शॉर्टकट रास्ते से उसे पकड़ना चाहिए। चल, आइडिया। देखा आपने, वो दोनों लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे आपके बारे में, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सब मुझे जलते हैं, मेरे से जलने वाले हैं। मैं शूट करने वाला था, गोली नहीं था ना। मुरारी जी, देखिए आपकी बुलबुल खड़ी है सामने। ए, देख देख, गाड़ी वाला मुरारी आया है, हम उससे बात करते हैं। चल, अगर वो चले गए तो? रिया नहीं जाएगा, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। चल भाई साहब, हमको देखकर वो बुलबुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप अपने दिल की बात उसे कह दीजिए, यही मौका है। मिला है मौका तो मार दो चौका। हाँ भाई साहब, सचमुच ये मुरारी बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि वो एक गुंगी को जिंदगी दे रहा है। चलो कम से कम ऐसे आदमी से मिल तो ले। चल, क्यों मुरारी जी इतना शर्मा रहे? आप बहुत ही काबिल मर्द है, मर्द की तरह मेरे घर जाकर लड़की का हाथ मांगिए, ठीक है ना? हम चलते हैं। चलते हैं। बाय। भाई, वर्कआउट हो गया। ए, टर्निंग पर हॉर्न नहीं बजा सकती, तुमको अकल नहीं है क्या? अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो?
ज्यादा सवाल मत करो, सारे दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। क्यों देशमुख, हम क्यों नहीं पूछ सकते? टर्निंग पे तुम्हें साइकिल के बेल बजानी चाहिए ना। तुम लोग गाड़ी का हॉर्न नहीं बजा सकती हो और मुझसे साइकिल की घंटी बजाने के लिए कहती हो। कार का हॉर्न बजाने से बैटरी वीक होती है, साइकिल के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ओह, लॉजिक है। ये सब इनसे क्यों बोल रही हो? भाभी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, घबराइए मत, बताइए। ओ भाभी, मैं सुबह साइकिल से जा रहा था, सामने से रिया रीमा कार से आ रही थी, उन्होंने हॉर्न नहीं बजाया और टक्कर लग गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं नीचे गिर गया था और फिर मैं उठकर मैं उन्हें पकड़कर उसको पकड़कर नहीं, उनको पकड़कर मैं कुछ करते समय तभी भाई आकर देख लिए, इसीलिए। क्या करते समय? आप डर क्यों रहे हैं? जो बात है खुल के बताइए। वैसे अपने भाई को छोड़िए, मैं देख लूंगी। ये बताओ, आप उन लड़कियों के साथ सिर्फ खेले या और भी कुछ किया तुमने? बताओ। ऐसा कुछ नहीं किया भाभी। कुछ नहीं किया? मैं तो बड़ी बात सोच रही थी, बस इतनी बात है, फिक्र मत करो। ये क्या चिकन है क्या? ये चावल की तरह हो गया है। आप लोग कभी सुधर नहीं सकते, आप लोग हमेशा दारू पीते, इसलिए हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, जब हमको दारू चढ़ती है तभी तुम पसंद आती हो। 20 साल से यही बात बोल के हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्या हम 20 साल से आपको बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है, हम दारू बंद कर देंगे, इसके बदले में कोई दूसरी आदत शुरू कर देंगे। क्या जाने दो, मैंने दारू पीने के लिए मना नहीं किया, बल्कि हिसाब से पीने के लिए कहा। तुम लोग देशमुख को क्यों परेशान कर रही थी? विलासी ने सब कुछ देखा, मैं पूछ रही हूँ, बताओ। देशमुख से प्यार करके शादी करूंगी तो उसकी जायदाद मिलेगी, इसलिए वो जहाँ भी जाए उसे छोड़ना नहीं, ऐसा मेरे डैडी ने कहा। रंग स्वामी के कहने का मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कहाँ, किससे करवाएंगे, कौन से गाँव में करवाएंगे, इसीलिए भला यही होगा कि तुम देशमुख का दिल जीतने की कोशिश करो। ओहो, अब विलास जी भी आने वाले हैं, अब क्या होगा पता नहीं, उनके आने से पहले तुम लोग सो जाओ। अजीब सा क्यों लग रहा है? किधर है वो दोनों? वो देशमुख रोड पर कूद रहा था और ये दोनों लड़कियां साथ में कूद रही थी, पूरा गांव देख रहा था। क्या वो कूद रहा है? हैं? साथ में वो लोग भी कूद रहे हैं।
आपको पूरा गांव देख रहा था। क्या आपने भी देखा है? ये तुम क्यों हिल रही हो? मैं भी हिल रही हूँ। संभालो संभालो। बढ़ने से दिमाग बढ़ता है लेकिन आपका तो घटता जा रहा है। आपका बाहर पिएंगे तो बेइज्जती होगी, इसलिए घर में पीने को कहा था, उसका नतीजा ये है। मेरी बात मानिए, वो मैं नहीं हूँ, वो करने वाला ये है। अच्छा चुप रहिए।
इटली पाउडर किधर है? तेल की भी जरूरत आपको अकल कब आएगी? चुप रहिए। मेरी औरत की जगह अगर मेरा बेटा पी लेता तो क्या होता? क्या करूं? आप लोगों को घर से बाहर भी नहीं भेज सकता और घर में रखने पर ये तकलीफ हो रही है। गलती किसी की भी हो उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। इन लोगों को बड़ी सजा दो। बारिश है, हमको इससे डरना ही पड़ेगा। क्या हुआ, सिर दर्द कर रहा है? नीट पियेंगे तो ऐसा ही होगा। हैंग तो होगा। चुप कर। क्या पढ़ाई किया है तुमने? एमए। जिन और पानी में फर्क नहीं लगा तुमको? अब मैं क्या जानू जिन और पानी का फर्क, एमए करते वक्त मुझे नहीं बताया गया। आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? शादी करने के लायक लड़की घर में बैठी हुई है, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? जिम्मेदारी? खाना खाओ। खाना खाने को कह दिया। हाँ हाँ हाँ। सांभर डालो, सुन लो, तुम दोनों अब घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। और सुनो, इनके लिए लड़का देखना शुरू करो। क्या है ये? क्या हुआ, तुम लोग फल फूल लेकर आए हुए हो, क्या बात है? वो क्या है ना, सोलंकी जी ने इनको लड़की देने के लिए कहा था इसलिए। तुम लोग किसके घर में आकर लड़की मांग रहे हो? अरे जीजू, ये हमारा हाथ मांगने नहीं आया, ये गुमकी से प्यार करता है। आदमी का खराब समय कभी भी बोल कर नहीं आता भाई साहब। सबने मुझे फंसा कर अब न्याय की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे भाग जाऊंगा। अगर तूने गलती से भी कह दिया ना कि तू गूंगी से नहीं सोलंकी की बेटी से शादी करने आया, तो हम सबको ऊपर जाना पड़ जाएगा। इसके हाथ में गन देख रहा है ना, वो आम गन नहीं है, जंगली जानवरों को मारने वाली गन है ये। अब बचने का एक ही रास्ता है, मेरी बात मान लो, चुपचाप उसी से शादी कर ले। गूंगी ज्यादा टेंशन भी नहीं देगी, ना बोलेगी, बस तू चुपचाप रहना उसके साथ, बस इसी में भलाई है। मुरारी तू डरता क्यों है? तू तो सचमुच बहुत बड़ा आदमी है। आज का दिन अच्छा है, आज शादी पक्की हो जाएगी और कल धूमधाम से तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम खुश हो ना? नहीं नहीं, हमें पूरा भरोसा हो गया। देखिए ना, खुशी के मारे दूल्हे के मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही। एक आदमी जैसी औरत चाहता है, अगर उसे वो मिल जाए तो वो भाग्यशाली होता है। अपना मुरारी हमेशा यही कहता रहता था कि एक औरत को हमेशा झुक के रहना चाहिए। ये जैसा सोचते थे इनको वैसी ही औरत मिल गई है। इस शादी से हम बहुत खुश हैं, ये बात मैं माइक से बता रहा हूँ। और जो लोग इनको पैसा देने आए हैं वो पैसा देकर खाना घर जाके खाइए, ये बात भी मैं माइक से बता रहा हूँ। मंगला देवी ने मुरारी को पहला गिफ्ट दिया है, अब सिल्वर का ड्रम भी आ चुका है। ये पकड़ो आपके मुरारी के लिए हंडा। हंडा? अब दूल्हे की बारी है, अब बारी है दूल्हे के चारों बॉडीगार्ड्स की। ये सब बॉडीगार्ड्स अपनी एक एक महीने की पगार आज शादी में दे रहे हैं। एक बात और कहूंगा, वैसे मुरारी ने अभी तक इन्हें 4 महीने से पगार नहीं दी है। हाँ जी, तो आगे की बात यह है कि अभी तक मुरारी जी के शादी में जो टोटल पैसा आया है वो हो गया है 15,000 रुपए, मगर इन्होंने गांव वालों से उधार लिया है 60,000 रुपए का। घबराइए मत, हम वो भी सारा कर्ज उतार देंगे आपके सहयोग से। मुझे ये बताकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए, चलिए चलिए। अरे अरे अरे, आओ नमस्ते जी। नमस्ते। आपके नाना नहीं आए? नाना कुछ काम से बाहर गए। अच्छा, चलिए अंदर बैठिए। आप सबको खुशबू मारते हैं, मैं आपको मारता हूँ। अरे आइए आइए आइए, नमस्ते। हमको इनसे क्या बात करना है, हमको हजारों काम है, चलो चलते हैं। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। विलास जी कहाँ हैं? वो पुणे गए हैं। आज आएंगे ना? हाँ जरूर आएंगे। भाई भाभी, साथ में साकाला का बेबी। मुबारक हो। नमस्ते। विश यू हैप्पी मैरिज।
ओहो कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा। फैंटा भी अच्छी है। अरे नहीं यार पेप्सी अच्छी है। जाइए वहां बैठ जाइए। आइए आइए नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए और सब ठीक है ना? अरे बाप रे कहां यार? आपके भाई ने टीवी में देखिए। ओए चल 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 भाग। ओह बच गए। किस भाषा में बात करना है? इंग्लिश में बात करूं? यू ब्लडी बंच ऑफ बफून्स। मराठीत बोलू? चप्पल खाल्यावर अकल ठिकाणावर येणार। इतने चप्पल पड़ेंगे मुंह टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आया? भाई छोड़िए, आप कब झगड़ा करेंगे? सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। भाभी अभी गुस्से में बात करके गई, लगता है वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। भाई यहाँ शादी है, यहाँ कुछ हुआ तो सब विलास जी को 1 का 10 बता देंगे। प्लीज कुछ मत कीजिए। आप लोग शर्माइए मत, आपको जो भी चाहिए मांग के खा लीजिए। खाइए खाइए ना। ए, ए, अरे वहाँ वहाँ कहाँ जा रहे हो भाई? यहाँ आओ, यहाँ हाँ यहाँ बैठो। हाँ नमस्ते नमस्ते। आइए बैठो। इसीलिए मैं इस शादी में आने से मना कर रहा था। जिसके सामने नहीं बैठना है उसी के सामने बैठ के खाना खा रहा हूँ। मैं चलता हूँ, तुम लोग जल्दी आना। अरे भाई इधर थोड़ा सांबर लेके आओ। हाँ थोड़ा सांबर डालो इधर, जरा चखता हूँ। अरे भाई मेनू में हलवा लिखा है, आपने मैसूर बाग रखा है, चलो ये भी चलेगा। 6 हलवा पार्सल करो, मैं घर लेकर जाऊंगा। ए भाई हाँ तेरा पेट है? हाँ गोदाम में प्लेट घर से लाया तू? इसको कौन इधर बिठाया? घर वालों ने। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं दूल्हे के बाप का, भाई का, लड़के के, उसके औरत का, बहन के पति का भाई हूँ। लगता है आपको समझ में नहीं आया, दोबारा बताऊँ? नहीं नहीं नहीं, मैं किधर फंस गया है? मेरा भाई दूसरी शादी में गया है। तुम्हारा पूरा परिवार ऐसे ही है? मुझे एक डाउट है, आप लड़की वालों की तरफ से है लड़की वालों की तरफ से? क्यों? वहाँ धक्का देकर 2 आदमियों को बाहर निकाल रहे थे इसलिए आपसे पूछा। आप ये खाने के लिए इधर आए? आपको इतना सा खाना घर में ही बैठ के खा लेना चाहिए था, आपको इधर आने की क्या जरूरत थी? इधर मत देखिए, अपना खाना देखिए। ए भाई मिठाई है, दही है, सब लेकर आओ। ये क्या किया तुमने? इधर आ, इधर आ। ये क्या है? सांबर है सर। सांबर? मैं भी जानता हूँ। इस शर्ट की कीमत मालूम है तेरे को? मैं कौन हूँ मालूम है तेरे को? मैं कौन हूँ पता तेरे को? पंडित जी क्या तकलीफ है बताइए। क्या तकलीफ है? सांबर मेरे शर्ट पे गिरा दिया इसने। एक बूंद तो सांबर पड़ा है और आप बेफिजूल में बात का पतंगड़ बना रहे हैं। ए, मैं कौन हूँ पता तुमको? मैं कौन हूँ पता है? अरे तू क्या कोई बड़े बाप की औलाद है? नहीं नहीं हूँ मैं। तू टाटा बिरला की औलाद है? नहीं। तो तू शाहजहां की आखिरी औलाद है क्या? शाहजहां का खानदान बचा है क्या? नहीं बचा है। किधर बचा है तू बता? तूने सच कहा, तू कहीं अंग्रेज की औलाद तो नहीं? फ्लाइट से भेजा गया है। फ्लाइट छूट गई। कैसे? टाइटैनिक डूब गया ना। तू बैठा था उसमें? वो जहाज मेरा था। चलते हैं। Ha 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 ha!
बहुत अंग्रेजी में बात कर रही थी। मुझे अंग्रेजी नहीं आती क्या? अब देखता हूँ कौन बचाएगा। छोड़ दे उसे। अभी आप गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। दीदी शादी में आए मेहमान दूल्हा दुल्हन को देखा, खाना खाया, एंजॉय किया, उसके बाद चुपचाप घर चले गए। मगर इन्होंने शादी में आए मेहमानों को मार मार के बेहाल कर दिया, चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा मारा होता तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। सुनो, हम यह न्याय के लिए आए हैं, अगर कुछ बोलना है तो हमें भी बहुत कुछ बोलना आता है। आपको मेरी बात पर गुस्सा आ रहा है? अगर आपके साथ होता तो क्या आप चुप रहते? आपका भी खून खोलेगा तो मेरा भी खून खोल रहा है। ए, ज्यादा मत बोलो, जो बात है वो करो, वरना तेरे गांव वालों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ए, हमारे गांव वालों के बारे में कुछ मत बोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। ए, सिर्फ तेरे को बोल रहे हैं, तेरे गांव वालों को नहीं समझा? आप मारपीट करने को तैयार है तो हम भी कुछ कम नहीं है। हम भी उस इरादे से नहीं आए हैं। मैं जहाँ पर बैठा हूँ ना, मैं बैठे ही बैठे बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ विलास जी का मुंह देखकर यहाँ पे आया हूँ। देशमुख ने हमारे आदमियों को क्यों मारा पूछ के बताइए। अगर कोई छोटी बात होती तो समझा, मगर जरूर कोई बड़ी बात है, तभी तो इसने उस पे हाथ उठाया, नहीं तो ये हाथ नहीं उठाता। करेक्ट भाई। आपको ये मालूम होना चाहिए कि देशमुख न्याय के लिए लड़ता है, वो सब लोगों की रक्षा करता है, जनता की सेवा करता है, ये बात तुम लोग जान लो। इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझ गए आप लोग? वो सब बेकार की बातें छोड़िए, उसने उन लोगों को क्यों मारा ये उससे पूछ कर बताइए। समझ गया, समझ गया, समझ गया। पंचायत में भी सबको सच बताना पड़ेगा। देशमुख, शादी में क्या हुआ था? तुमने उन लोगों को मारा क्या? हाँ, मैंने उन लोगों को मारा, लेकिन भगवान के लिए ये मत पूछिए कि मैंने क्यों मारा। तो तुमने मान लिया कि तुमने उन्हें मारा है, मगर पंचायत में ये भी बताना फर्ज है कि क्यों मारा, तभी इंसाफ होगा। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। हाँ, मैंने उन्हें मारा, लेकिन भगवान के लिए दोबारा ये मत पूछिएगा कि मैंने क्यों मारा। पंचायत मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है, इसे तो मैं देखता। अरे अरे नहीं नहीं, सोच समझ कर, सोच तो समझ क्या कर बेटा। नहीं, सारे लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं और वो भैंस की तरह खड़े होकर जवाब दे रहा है। मुझे इज्जत से रहने के लिए कहता है और खुद आवारागर्दी करते फिरता है। माफ कीजिएगा, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। क्यों रे, तुझको बहुत चर्बी हो गई है क्या? हम लोग प्यार से पूछ रहे हैं,
तो जवाब नहीं निकल रहा है तेरे मुंह से? तुझे बहुत घमंड हो गया है क्या? क्यों, ऊपर से नीचे तक तेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं यही सोचता है? हाँ, मैंने सुना है जिधर गलत होता है तू हीरो की तरह वहाँ पहुँच जाता है। ए, मेरा न्याय कैसा है तुझे पता है ना? संभल नहीं पाएगा, बताना ही पड़ेगा। बता दे क्यों मारा उन्हें? बता रे क्यों मारा उन्हें? हाँ, ए नालायक, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्यों मारा उन्हें? बता बता वरना खाल उधेड़ लूंगा, बता। तू दूसरों को मारता फिरता है, हिम्मत है तो मुझे मार, मार के दिखा, मार। भैया, मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिताजी मर गए और जन्म से आज तक मैंने अपनी माँ का मुंह नहीं देखा। मेरे पिताजी मुझे मार कर बड़ा करते या मेरी माँ मुझे प्यार से बड़ा करती, मगर ऊपर वाले ने दोनों को मुझसे छीन लिया। अभी आपने मुझे मारा तो मुझे बहुत खुशी हुई और आप मुझसे कह रहे हैं मुझे मारो, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं भैया? अरे तुमने मुझे भाई कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी औकात है क्या मुझे भाई कहने के लिए? जायदाद की लालच में तेरी माँ ने तेरे बाप को मारा, अब तेरी ये औकात हो गई कि तू मुझे भाई कहने लगा? तेरी माँ नौकरानी थी जिसे मेरे डैडी ने घर वाली बनाया, और उस नौकरानी का बेटा तू मुझे भाई कहने की हिम्मत करता है? जायदाद चाहिए थी ना तो मेरे डैडी तुमको वैसे ही दे देते, मगर तुम लोगों ने उन्हें मार डाला। ए, तेरी माँ जायदाद हड़प के दूसरे मर्द के साथ भागने की सोच रही थी। ए, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम भी मेरे बाप के ही खून हो, इसीलिए मैं तुमको आखिरी बार छोड़ दे रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देता। इडियट। देशमुख को जैसे विलास जी ने मारा, उसको देख के मेरा हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है। उधर ही दर्द हो रहा है, इधर भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना तुम्हें हो रहा है। मेरी लड़की से देशमुख शादी करेगा इसलिए मेरा दुख रहा है, मगर तुमको क्यों दुख हो रहा है? क्या दिया है? मेरी लड़की से देशमुख शादी करेगा इसलिए मेरा दुख रहा है भाई। बस बंद करो अपनी बकवास। मैं आप लोगों को दारू पीने इसलिए सब बकवास कर रहे हो। जाने दो, वो मेरी या तुम्हारी किसी की बेटी से तो शादी करेगा, जायदाद पर राज करने वाले हम लोग ही है ना, मगर देशमुख को विलास जी को नहीं मारना चाहिए। आपने इतनी बेदर्दी से उसको मारा है, जब आपका इतना हाथ दुख रहा है तो उसका क्या हाल होता होगा? रामायण में अपनी भाभी को बचाने के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन भाभी की बेइज्जती तुमने क्यों की बताओ बताओ कहकर उसका बदन पूरा छलनी कर दिया। क्या कह रही हो तुम? शादी के मंडप में वो चार लोगों ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, देशमुख वहाँ था चुप रहता, आप उससे पूछ रहे हैं वो कैसे बताता? रुकिए, आपका गुस्सा नाक पर होता है इसलिए मैंने ये राज आपसे छुपाया, मगर इसी मेरे राज ने देशमुख को बहुत बड़ी सजा दे दी इसलिए मुझे दुख हुआ। अरे देशमुख, ये सब कैसे हुआ रे? ये तो गांव में सबके सामने भाई ने मुझे बहुत सम्मान दिया, आपने नहीं देखा, कहाँ गए थे आप? आप क्या देख रहे हैं नाना? मेरा पूरा बदन खून से सना है, ये देखकर आपको दुख हो रहा है क्या नाना? मेरा भाई कभी आधा काम नहीं करता है, वो पूरा ही काम करता है। सिर्फ तू ही उसको अपना भाई मानता है, मगर तू उसका भाई है ये उसने कभी सोचा है क्या? बता मुझे। इसी वजह से तो मुसीबत आ जाती है। उसने कहा मेरी औकात नहीं है,
उसको भाई कहने की, जैसा उसने कहा वैसा कहने का। दुनिया में किसी को भी भगवान हक क्यों दे देता है नाना? मैंने ख्वाब देखा था वो किसी न किसी दिन तुमको अपना भाई मान लेगा। वो अब तक तुम पर इतना गुस्सा है तो अब हमको इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। नहीं नाना, अब तो इस गांव में मेरा रहने का हक बढ़ गया है। ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि अब तक मेरे भाई ने मुझसे कभी नजर नहीं मिलाई, मगर आज उन्होंने नजर मिलाकर कहा, इस गांव में कोई और तुमको पूछने वाला नहीं है क्या? इसका मतलब मैं उनका भाई हूँ, मुझे इस गांव में रहना चाहिए, यही मतलब है। इसीलिए नाना मैं यही रहूंगा। नाना, मेरे पिताजी को अन्याय से मार डाला गया, इसीलिए मुझसे ज्यादा गुस्सा उसको ही होगा, क्योंकि पिताजी की गोद में खेलकर बढ़ने वाला तो मेरा भाई ही है ना। तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मैं मरूंगा भी तो इसी गांव में। माँ ने पाप किया, अगर उस प्रायश्चित के बदले भाई ने मुझे मारा भी तो भी मुझे खुशी है। हजारों बार मैंने आपसे यह सवाल पूछा कि मेरी माँ ने मेरे बाप को क्यों मारा, लेकिन आपने नहीं बताया। खैर छोड़िए, मुझे माँ के बारे में कोई चिंता नहीं है। माँ किधर है ये जानने के बाद भी मैं उससे मिलना नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी को पूरा गांव भगवान मानता है, फिर पिताजी ने दूसरी शादी क्यों की जबकि उनकी पहली बीवी जिंदा थी? वो तो उनके फार्म हाउस पर नौकरानी का काम करती थी। इसका मतलब मेरी माँ और मेरे पिताजी के बीच पहले से कोई। ए! ऐसा सवाल पूछने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये हिम्मत तुझे किसने दी है? आ गया बाप के बारे में बात करने के लिए। पता है तेरा बाप कौन है? वो सचमुच में मंदिर के भगवान जैसा है, मालूम है तेरे को? नमस्कार। क्यों हरिया, तुम इन लोगों को यहाँ लेकर क्यों आए हो? क्या बात है? मालिक, बाढ़ ने हमारा घर पूरा तहस नहस कर दिया। अब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम लोग बेघर हो गए हैं। अब हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मालिक हमारी मदद करिए। मैंने सुना है मुनीम जी, हमारे राइस मिल के बगल में जो खाली जगह है वहाँ पर इन लोगों को घर बनाने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अच्छे रहेंगे तो मैं भी अच्छा रहूंगा। धन्यवाद। मालिक, मेरे लड़की की शादी के लिए मैंने अपना घर इसके पास गिरवी रख के 1,00,000 रुपया लिया है। मैं अभी तक 1 साल से उसको 1,00,000 का ब्याज नहीं दे पाया हूँ, इसलिए वो मेरा घर ले रहा है। आपको ये सब अच्छा लगता है? इस तरह ज्यादा ब्याज लेके आपने कितने घरों को बर्बाद किया है, क्या यह सही बात है मुनीम जी? हाँ साहब, देख लीजिए। मेरा पति मुझ पे शक करके रोजेस मारता है मुझे। देखो बहन, हर आदमी हमेशा यही सोचता है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसकी बनकर रहे, वैसे ही अगर हर औरत यही सोचकर बैठे कि उसका पति सिर्फ उसका रहे तो 70% लोगों की शादियां ही नहीं होंगी। जाओ, इस पर शक मत करना, जाओ। मालिक, आपकी मेहरबानी से आज मेरा लड़का डॉक्टर बन गया। दिल से पढ़ाई किया तब डॉक्टर बना, इसमें मेरी मेहरबानी कहाँ है? मालिक, मुझे आपकी और मेहरबानी चाहिए, मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है। मालिक, मुझे अमेरिका जाना है, मदद करिए मालिक। भाई, मैंने तुम्हें पढ़ने में मदद की इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम डॉक्टर बनकर अमेरिका चले गए तो अपने देश के लोगों की सेवा करने के लिए किसको बुलाएंगे? इसीलिए तुम्हारी जरूरत दूसरे देश से ज्यादा अपने देश को है। अपने देशवासियों की पहले सेवा करो, यही तुम्हारा असली और पहला कर्तव्य है, और दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है, समझ गए? नमस्ते जी। नमस्ते जी। मालिक, हमारे गांव में एक छोटा सा मंदिर है, हम लोग उसको तोड़ करके बड़ा बनवाना चाहते हैं। उसमें 40,00,000 का खर्चा आ रहा है, हम लोगों ने 30,00,000 जमा कर लिया है और 10,00,000 की जरूरत है, उसके लिए हम लोग आपके पास आए। महाशय, आपके गांव के छोटे स्कूल को तोड़कर बड़ा बनाने का ख्याल किसी के दिमाग में नहीं आया? आपके गांव का रोड खराब है, उसे बनवाने का ख्याल किसी के भी दिमाग में नहीं आया? वहां के कुओं की मरम्मत करने का भी ख्याल किसी के भी दिमाग में नहीं आया? जिस गांव में मंदिर नहीं है मैं उस गांव को मंदिर बनाने के लिए पैसे देता हूं। आपके गांव में जो मंदिर है उसकी आप सफाई करवाइए, उसकी मरम्मत के लिए मैं पैसे दे दूंगा।
मालिक, आपने जो नारियल मंगाया था मंदिर में देने के लिए, अगर आप हाँ कहें तो मैं उसे भेज दूं? मैंने तो आपको कल ही बोला था ना। खाना खा लो ना बेटा। ओफो, कहाँ से आई कवे? खाना खाओगे ना तो जल्दी बड़े हो जाओगे। ओहो, खा लो, खा, खाओ ना। आ, 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 आ। कहाँ से? हट, खा ले। ए, कहाँ चली गई थी? बच्चे को खाना खाने में कौवा परेशान कर रहा है, तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। कहाँ चली गई थी तू? कपड़े धोने गई थी। ओह, कितनी बार धोती है? ठीक से धोया कर। ठीक से धोई हूँ। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। क्या हुआ, अब क्यों यहाँ खड़ी है? मैं ये लकड़ी ले जा सकती हूँ क्या माँ जी? क्या लकड़ी चाहिए? हम क्या लकड़ी बांटने के लिए रखे है? हमारे चूल्हे में लकड़ी नहीं जलेगी क्या? बड़ी आई लकड़ी मांगने के लिए, चल जा। बहन जी, तुम दो चार लकड़ी मांगने पे नहीं दे रही हो, उधर बोरी की बोरी चावल लोगों में बांटा जा रहा है। हाँ, तू इधर सूखी लकड़ी देने में सोच रही है और उधर ट्रक भर भर के अनाज बांटा जा रहा है। जो हाथी बांट रहा है तुम उसका ख्याल ही नहीं रखती। लेकिन तू पूछ रहा है उसका ख्याल रखती है? देख बेटा, तू अभी घर का खाना खा रहा है, आगे चल के तुझे मांग मांग के खाना पड़ेगा, समझे? बहन, गांव के लड़कों को पढ़ाने के लिए ये क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? वो लोग पढ़े या भैंस का दूध बेचे, इससे इनको क्या लेना देना? ये तो जो गांव में गरीब लड़की है उनको शादी के लिए पैसे भी भेज रहे हैं। उन लड़कियों की शादी हो या ना हो इनको क्या तकलीफ है? अरे कितना पैसा जा रहा है, मुझे कितना दुख हो रहा है पता है तुमको? बात करता है। दुनिया में पैसे वाले दूसरों की जमीनों को हड़प लेते हैं, उनका पैसा लूट लेते हैं, मगर जीजाजी तो अपना ही पैसा लुटाते हैं और अपनी ही जमीन को दान करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद दफन करने के लिए जमीन नहीं मिलती। हमको तो दूसरों की जगह की जरूरत नहीं है ना। अभी जीजाजी किधर गए पता है? वो सम्मेलन में जमीन दान कर रहे हैं। जीजाजी उन लोगों को 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं, मालूम है तुमको? अपने नारियल वाले खेत के आगे का पूरा जमीन दे रहे हैं। बहन जी को क्या पता है, इधर पेपर पर जगह बताओ। ये जगह है। फिर ये क्या है? यहाँ डेन के बगल में 500 लोगों को रहने के लिए जगह दे रखा है। ए बहन, वो लोग अनाथ हैं, उनको क्यों रहने को जगह दी है? उनको एक टाइम का खाना खिला के वापस भेज देना चाहिए, इतनी बड़ी जगह दे दी। अभी जो बाढ़ आया था ना उसमें इन लोगों का घर डूब गया, तो जीजा जी ने राइस मिल में रहने को जगह दे दिया। जब ऊपर वाला किसी को बेघर कर रहा है तो इनको क्या जरूरत है किसी को घर देने की? देखो बहन, अभी तेरे बेटे की उम्र 4 साल है, अभी तक कितनी जमीन बट गई पता है तुमको? जब ये 24 साल का होगा तो तुम लोग को खड़े होने के लिए भी जमीन नहीं मिलेगी, सब जमीन दान में चली जाएगी। फिर हम सभी लोग अनाथ आश्रम में जा जाकर जगह मांगेंगे। बहन जी, अब क्या सोच रही हो? बहन जी, ज्यादा सोचो मत, जल्दी फैसला कर लो। फैसला करूंगी, आज ही करो। घर को तुम लोगों ने क्या धर्मशाला समझ कर रखा है? जो मुंह उठा के चले आए रहने के लिए, बड़े आए मुंह उठा के रहने के लिए, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ। क्या है, क्या है तुम लोगों का? ये नहीं है, वो नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, ये सब बहाना करके अब इधर मत आना। और अगर आइंदा कोई इधर आया तो उसका हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। चलो भागो यहाँ से, भागो, भागो। क्यों मुनीम, ये सब तुम्हारा किया हुआ है ना? साहब भूल गए तो तुम इन्हें याद दिलाते हो? ये जायदाद अनाथों की या तेरे बाप की? मैं तुम्हारी उम्र को देखकर कुछ बोलती नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारी इज्जत उतार देती। कल से इस घर के दरवाजे की तरफ कोई नहीं आएगा, समझे? तुम भी नहीं आओगे, समझे? मुनीम जी, जी कल से सबको अपने फार्म हाउस पर बुलाइए। जी, आप भी वहाँ आ जाइए। ठीक है सर।
देखा देखा कितनी हिम्मत है इस आदमी में। मैं जो कुछ कर रही थी उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं पूछा। जाने दो उसको, जाने दो। बाप रे बाप, अभी लग रहा है हम आजाद हो गए। चिल्लाओ मत, नहीं तो अंग्रेज आके फिर से गुलाम कर देंगे। आप कान में क्या बड़बड़ा रहे हो? ए, हम लोग पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बात करेंगे ना। हमारे पेट में जो आपका वारिस पल रहा है उसके लिए आप पाप कर रहे हैं। किस पाप न्याय की बात कर रही है? हमने कितना पाप किया पता है तुझको? एक परिवार को जीने के लिए एक परिवार को खत्म होना ही पड़ेगा। जायदाद का मालिक तो बाहर चला गया। मालिक तो हमेशा बाहर ही रहता है, जो अंदर रहता है वही राज करता है। अगर उंगली में घाव हो जाए तो पूरा हाथ थोड़ी काटते हैं। उधर तेरी औरत डांटेगी इसलिए तुमने सबको यहाँ बुलाया, मगर हर चीज की एक हद होती है। तो मैं क्या करूँ माँ, मैं भी उसी की तरह उससे झगड़ा करूँ? आप भी तो उससे बचने के लिए मेरी तरह यहाँ आ गई हैं। हम लोग गाँव वालों की तकलीफें दूर करते हैं, हम अपनी तकलीफें किसी से नहीं बताएंगे। थोड़ी है ना माँ, आप तो उसको जानती ही हैं। तुम्हारे डैडी के पास लोग कुछ न कुछ मांगने आते थे, उसने जब से सबको भगाया तब से तुम्हारे डैडी भी फार्म हाउस पे रहने लगे थे, और इधर फिर से गरीबों की मदद करना शुरू हो गया था। तुम्हारी माँ इधर उधर आकर तेरे डैडी की मदद करने लगी। ये देख सोलंकी और चार्ली ने भी गाँव में गलत खबर फैला दी थी। वो खंडाला स्टेट के बगल में जो अपनी खाली जमीन है ना? हाँ मालिक। उसी को दे देंगे? वो जगह तो आपने अनाथ आश्रम को दे दी थी मालिक, मगर लोनावला वाली जगह का 4 एकड़ जमीन खाली है। उस जगह पे स्कूल बना देंगे तो गांव के बच्चों को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, चलते हैं साहब। चलते हैं। धन्यवाद मालिक। अच्छा, खाना बन गया है, सबको खाना खाकर जाने के लिए कहिए। तो फिर आप लोग खाना खा के जाइए। क्या है, क्या है तुम लोगों का? ये नहीं है, वो नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, ये सब बहाना करके अब इधर मत आना। और अगर आइंदा कोई इधर आया तो उसका हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। चलो भागो यहाँ से। सीमा जितनी भी रहम वाली है, आरती उतनी ही बेरहम है। आजा तोता बाहर आजा, इनके लिए अच्छा कार्ड निकालो, महारानी की चिट्ठी निकालो, नहीं महालक्ष्मी की। अरे आपका नाम क्या है? आरती। आरती के नाम से अच्छा वाला भाग्य कार्ड निकालो। आजा बाहर आजा, आजा। अरे क्यों अंदर से बाहर नहीं आ रहा? हे मेरी बात सुन, एक मिनट के अंदर तू अपने तोते को लेकर नहीं भागा तो इसका और तेरा कुर्मा बना दूंगा। कैसा आदमी है यार। आहा, कितनी भी खूबसूरत औरत हो साथ में एक रखेल तो चाहिए। ये बात चल रही है तुम्हारे पति के साथ, तुम तोते से किस्मत आजमा रही हो, उधर तुम्हारा पति नौकरानी से किस्मत आजमा रहा है। अब तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे क्यों घूर रही हो? वो इधर रहेगा तो ज्यादा हाथ से चली जाएगी, इसलिए उसको इधर से भगा। हाँ, मैंने उन दोनों को साथ में देखा है, वो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे हैं। आज खुशी में देखो ये गाए मेरा दिल, खेतों में हरियाली ये झूम रहा है दिल। आज की ये मेहनत रंग लाएगी कल, हिम्मत से लो काम तो मिल जाएगा फल। अरे काम करो दिल से ओ मेरे साथिया, ये जिंदगी है जंग जानो साथिया। अरे काम करो दिल से ओ मेरे साथिया, ये जिंदगी है जंग जानो साथिया। ओए आज खुशी में देखो ये गाए मेरा दिल, खेतों में हरियाली ये झूम रहा है दिल। आए दिन खुशी के, आए दिन खुशी के। बागों में फूल खिले, चल रही है ठंडी पवन, खुश है ये धरती माता, देखो खुश है नीला गगन। ना कोई है अकेला,
संग में है सारे देखो कितने प्यारे लगते हैं देखो तुम ये नजारे मन में है साहस तो मंजिल मिल जाएगी खुशियाँ फसलों की चारों तरफ छाएगी और जो दिया हमने तुमको ना भूलेगा दिल और काम करो दिल से ओ मेरे साथिया ये जिंदगी है जंग जानो साथिया ओए आज खुशी में देखो ये गाए मेरा दिल खेतों में हरियाली ये झूम रहा है दिल हिम्मत ना हारी जिसने जीत उसने बस है पाई मेहनत सदा ही प्यारे काम सबके है आई सीने में जोश भर लो बाजू में ताकत भर लो मन में तुम साहस भर लो जीना सफल कर लो दुनिया है उसकी जो दुनिया को जीते खुशियाँ है उसकी जो आगे बढ़ के पाले अरे हाथ बढ़ा के साथ देना मेरे साथिया अरे काम करो दिल से ओ मेरे साथिया ये जिंदगी है जंग जानो साथिया आज खुशी में देखो ये गाए मेरा दिल खेतों में हरियाली ये झूम रहा है दिल आज की ये मेहनत रंग लाएगी कल हिम्मत से लो काम तो मिल जाएगा फल अरे काम करो दिल से ओ मेरे साथिया ये जिंदगी है जंग जानो साथिया अरे काम करो दिल से ओ मेरे साथिया पर जिंदगी है जंग जानो साथिया कौन सी गलती की जमीन जायदाद को गरीबों में बांटोगे तो एक दिन मेरा लड़का भी मांगने की लाइन में आ जाएगा इसलिए मैंने सबको भगाया तो क्या गलत किया और आदमी तो पूरा दिन फॉर्म हाउस में बैठा रहता है जो मैंने किया उसमें क्या गलती की मैंने मेरे सेवा में क्या कमी है मैंने आपकी सेवा में क्या कमी रखी है आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ आपकी सेवा करती हूँ पूरा ध्यान रखती हूँ आपका अच्छा खूबसूरत वारिस भी दिया है और क्या चाहिए मैंने ऐसी कौन सी गलती की जमीन जायदाद को गरीबों में बांटोगे तो एक दिन मेरा लड़का भी मांगने की लाइन में आ जाएगा इसलिए मैंने सबको भगाया तो क्या गलत किया और आदमी तो पूरा दिन फॉर्म हाउस में बैठा रहता है जो मैंने किया उसमें क्या गलती की मैंने मेरे सेवा में क्या कमी है मैंने आपकी सेवा में क्या कमी रखी है आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ आपकी सेवा करती हूँ पूरा ध्यान रखती हूँ आपका अच्छा खूबसूरत वारिस भी दिया है और क्या चाहिए मैं सोच रही थी आदमी फार्म हाउस में कुछ काम कर रहा है मगर मैंने जाकर देखा तो वहाँ सारा पोल खुल गया पता चलता है सांप नाच गाने में बिजी है उधर वो औरत आपको वहाँ क्या स्टाइल से खाना खिलाती है मनोरंजन कराती है बहलाती है हाथ में चोट लगी तो हाथ पकड़ने के लिए कितना तड़प रही थी वो आपको लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा ये सब देखने के लिए भगवान ने मुझे बचा के रखा है क्या है क्यों इस तरह घूर रहे हो सांभर गलती से आपके हाथ में लग गया और क्या अगर यही गलती उस औरत से होती तो क्या आप उसे घूरते गलती से सांभर हाथ पर गिर गया तो आप हाथ धोने चले गए हाँ अब मुझसे भी हाथ धो लीजिए ना
आप तो जमींदार है ना, कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं, कितनों को रखेल बना सकते हैं। गांव के कितने लोग तेरी वजह से तीनों वक्त खाना खाते हैं, मगर तुम्हें एक वक्त भी सुकून से खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे बात करती है वो तुमसे? ऊपर वाला भी उसे माफ नहीं करेगा। रोज रात को वापस घर जाने वाला तेरा डैडी उस दिन रात को फार्म हाउस में ही सो गया था। दूसरे दिन जल्दी उठकर हम दोनों पूना के लिए रवाना हो चुके थे। उस दिन तेरी नानी भी फार्म हाउस पे नहीं थी, तो उस दिन कमीनी, आ, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति पे डोले डाल रही है। चल मैं तेरे को दुनिया के सामने नंगा करती हूँ। चल चल मेरे साथ, चल। तू मेरे पति को अपने कब्जे में करेगी, उसका अपना कर, मेरे जमीन जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रही है। मैं क्या पागल हूँ जो ये सब देखकर छुप रहूँगी? मैं दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगी। तू और तेरा बाप मिलके ड्रामा करते हैं, नौकरानी कहूँगी, जमींदारी बनने की कोशिश कर रही है। क्या तू मेरी जमीन जायदाद भड़केगी तो मैं चुप रहूँगी? मैं तुझे जमीन जायदाद हड़पने नहीं दूंगी। तुझे जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा सुकून। नर्क में जाएगी तू, नर्क में। देख, तू कान खोल के सुन ले, इस गाँव में या फार्म हाउस में तू ना तेरा बाप दिखने चाहिए। अगर दिखाई दे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे सब कुछ पता है उसके बारे में, मैं जानती हूँ। तू ये सब सोचकर दुखी मत हो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी मुझे चिंता नहीं, मगर मालिक के ऊपर मेरी वजह से दाग लग गया, ये सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। इसी का अफसोस है मुझे। रो मत बेटी। जो दाग लगाया गया है उसे मिटाने के लिए ही मैं अपनी जान दे रही थी, फिर मुझे क्यों बचाया मालिक आपने, क्यों बचाया? पागल लड़की है तू, तेरे मरने से क्या ये इसका दाग मिट जाता? इसने भला की पता नहीं मेरे लड़के ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता मेरा। कैलाश, क्या सोच रहे हो तुम? बेचारी, उसने क्या गलती किया जो उसे इतना बेइज्जत कर दिया? उसने इस गांव में सर उठा के जीना हराम कर दिया है उसका। अब हमको तुरंत उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी कराएगा?
तो क्या सब ठीक हो जाएगा? तेरे नाम के ऊपर कलंक आया तो उसको अपनी जान दे रही थी, मगर उसके ऊपर जो कलंक आया है उसको मिटाने के लिए तू ऐसा करेगा? अपनी तरफ से हम खूब जायदाद दे दे, जितनी चाहे गहने दे दे, घर दे दे, शादी करा दे, मगर शादी के बाद उसका पति उससे पूछेगा कि तेरा रिश्ता क्या है कैलाश से, तो क्या जवाब देगी वो? ये सुन के रोज रोज मरती रहेगी। इससे अच्छा था कि उसे तू मरने से बचाता ही नहीं। माँ, तो अब मैं क्या करूँ? तुमने उसकी जान बचा के अपना फर्ज निभाया, मगर उसका फर्ज भी है उसे जिंदगी देने का। क्या माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ कैलाश, अगर आप ये कहते हैं कि तेरी औरत ने उसे बदनाम किया, उसे जाकर मार, तो मैं आपकी बात मान भी लेता, मगर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं उससे शादी कर लूं? क्या सीमा अपने खेत में घूम रही गाय भैंस है जो मैं उसको पकड़कर अपने घर में बांध लूं? मेरे कहने से क्या होगा माँ, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मेरी वजह से उसको इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। नहीं माँ, सीमा एक शरीफ और खुददार लड़की है, उसकी भी कोई तमन्ना होगी, उसका बाप भी उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा होगा, उसके भी अरमान होंगे। ऐसे में बिना सोचे समझे आपके दिमाग में उसके साथ मेरी शादी कराने की बात कहाँ से आ गई? ये तो मुझे उचित नहीं लगता है। अगर मैंने उसके साथ शादी कर ली तो समाज में हमारी हंसी होगी, ऐसी स्थिति में हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? कैलाश, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मालिक, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मालिक, आप मुझे गांव से निकाल सकते हैं मालिक, गांव में रख भी सकते हैं, या आपको खत्म भी करवा सकते हैं मालिक, ये आपका अपना हक है मालिक। तेरी माँ को तेरे डैडी ने इस तरह से जिंदगी दी थी बेटा, मेरी माँ कहाँ है? क्या नाम है उनका? सीमा, ये मेरी माँ का नाम है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सीमा नाम की यहाँ कोई भी औरत नहीं है। नहीं, मुझे पता है, मेरी माँ यहीं पर है। आप मेरे साथ चल सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आइए। इनमें से आपकी माँ कौन है? मैं मेरी माँ को नहीं पहचानता, मगर मेरी माँ मुझे पहचानती है। अगर सीमा नाम की कोई यहाँ है तो प्लीज बाहर आइए। आप लोगों में से कौन है इसकी माँ? भाई साहब, कोई भी माँ होती तो इतने साल बाद अपने बेटे को देखकर ऐसे पत्थर जैसे नहीं खड़ी रहती। अगर वो खड़ी है तो माँ बेटे के रिश्ते का मतलब ही क्या है? मैंने सुना था बेटे का दिल भले पत्थर हो जाए मगर माँ का दिल पत्थर नहीं होता, मगर आज मैं देख रहा हूँ बेटे का दिल पत्थर नहीं हुआ लेकिन माँ का दिल पत्थर हो गया। आखिरी सांस तक तुम पत्थर की तरह यूं ही खड़ी रहोगी? अरे तुम सुन रही हो कि नहीं, मुझे बताओ सुन रही हो कि नहीं? डैडी की इज्जत बचाने के लिए तुमने अपनी जान देने की कोशिश की, तुम डैडी को नहीं मार सकती, तुम डैडी को नहीं मार सकती, तुम अच्छी हो। डैडी ने तुम्हें बचाकर एक नई जिंदगी दी थी, तुम डैडी को नहीं मार सकती क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। कुछ तो राज है जो तुम छुपा रही हो, ठीक है नानी खुशहाल है, नाना भी खुशहाल है, तुम भी खुशहाल रहो। शुरू शुरू में गांव वालों ने मुझे खूनी का बेटा कहकर बुलाया, लेकिन मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने मुझे अपना बना लिया। लेकिन मेरा भाई, तुम खुश रहो।
डैडी की इज्जत बचाने वाली भी तुम ही हो, तो डैडी के मरने के बाद तुमने अपनी जान क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? इसका मतलब जायदाद को समेट कर किसी के साथ भागने की कोशिश की तुमने? हजारों लोगों के सामने मेरे भाई ने मुझे ऐसा कहा, क्या यह सच है? तुम खुशहाल रहो, मैं जा रहा हूं, यह हमारी आखिरी मुलाकात है, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। देशमुख! देशमुख मेरा बच्चा! मेरा बेटा, तेरे पिता के मरने के बाद मैं मर सकती थी, अपनी जान देने का मुझे पूरा हक था। मेरे पेट में तू था, तेरी जान मैं कैसे लेती बेटा, तेरी जान मैं कैसे लेती बेटा। तू अपने पिता की निशानी है, तुझे संभालना मेरा फर्ज था बेटा, मैं तुझे कैसे मरने देती मेरे तो बच्चे। डैडी को किसने मारा माँ? बोलो माँ, बोलो माँ, डैडी को किसने मारा माँ? मुझसे कुछ मत पूछो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है माँ, चलो मेरे साथ, तुम्हें गांव में रहना है माँ। प्यारी लगती ये जोड़ी, अरे देखो ये जोड़ी, अरे कितनी सोनी कितनी प्यारी लगती ये जोड़ी, क्या लगती है जोड़ी, अरे इन्हें लगे ना नजर किसी की, क्या खूब है जोड़ी, क्या लगती है जोड़ी, अरे रफ्ता रफ्ता है आंख लड़ी, फिर धीरे धीरे है बात बड़ी, कभी दोनों शर्माए कभी दोनों मुस्काए, कभी दोनों शर्माए कभी दोनों मुस्काए, अरे कितनी सोनी कितनी प्यारी लगती है जोड़ी, अरे देखो ये जोड़ी। सब इनको बधाई दो, इनको सब बधाई दो, बनी रहे ये जन्मों से जोड़ी, इनको सब दुआएं दो, इनको सब दुआएं दो, ये टूटे कभी ना बंधन इनका, ये टूटे कभी ना बंधन इनका, नाराज कभी ना हो, कभी दोनों शर्माए कभी दोनों मुस्काए, कभी दोनों शर्माए कभी दोनों मुस्काए, अरे कितनी सोनी कितनी प्यारी लगती ये जोड़ी, अरे देखो ये जोड़ी। डी डी डी
करे हम आदर इनका जो ये कहे हम करते हैं है। सारे जहां में कोई न इंसान हो सारे जहां में कोई न इंसान ये है दिल वाले कभी दोनों शर्माए कभी दोनों मुस्काए कभी दोनों शर्माए कभी दोनों मुस्काए अरे कितनी सोड़ी कितनी प्यारी लगती ये जोड़ी अरे देखो ये जोड़ी अरे ये लगे ना नजर किसी की क्या खूब है जोड़ी क्या लगती है जोड़ी अरे रफ्ता रफ्ता है आंख लड़ी फिर धीरे धीरे है बात बड़ी कभी दोनों शर्माए कभी दोनों मुस्काए कभी दोनों शर्माए कभी दोनों मुस्काए अरे देशमुख देशमुख अरे बात गांव में आ गई है अरे देशमुख अपनी माँ के साथ गांव में लौट आए रुको अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा ए, तेरी इतनी हिम्मत जिसने मेरे डैडी का खून किया उसको तू लेकर इधर आया ए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस गांव की जमीन पर पैर रखी भाई आपको मुझे जो बोलना है बोलिए मगर मेरी माँ को मत बोलिए बोलूंगा और भी बोलूंगा हमारे घर का बचा हुआ खाना खाकर पलने वाले कुत्ते हो तुम लोग भाई देखिए भाई मेरी माँ को बेइज्जत मत कीजिए बोलूंगा ये बेईमान कुतिया है खूनी है ये नौकरानी है नौकरानी देखिए भाई मैं एक बार फिर कहता हूँ मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिए किसके सामने तू उंगली उठाकर बात कर रहा है आपने मेरे ऊपर इतना वार किया मगर अब मुझे नहीं लगेगा मेरी बात सुनिए मेरी माँ खूनी नहीं है बात सुनिए भाई मेरी माँ खूनी नहीं है मैं सुनिए भाई मिट्टी पे पैर मत रखो इसको देखकर इस गांव में आने के लिए मना किया तुमने क्या उसे देखकर झूठा खाने वाली का क्या तो उसे खूनी समझ रहा है वो सब तुम्हारी माँ ने किया है बड़ी माँ तुम चुप रहो अब मैं बहुत सुन चुकी
तुमने इतना बड़ा त्याग किया, उस त्याग की कीमत की वजह से मैं इतने दिन खामोश रही थी, लेकिन ये बहुत हो चुका। अब मैं ये सब देख के अब चुप नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनो विलास, तेरी माँ ने तेरे डैडी को खाना दिया, उसमें जहर मिलाया, उसको खा के तेरे डैडी मर गए। ये बात पुलिस को पता चलती तो तेरी माँ जेल जाती, तुझे अनाथ होना पड़ता, मगर इसने इल्जाम खुद पे ले लिया और पेट में बच्चा होते हुए भी इसने जेल में सजा काटी। ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, उस समय तू 4 साल का था और देशमुख उसकी माँ के पेट में था। अभी हर आदमी 15 एकड़ जमीन ही रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सरकार ने एक नया नियम बनाया है माँ, अच्छी बात है, नया कानून बन गया। इस कानून का साथ देने वाला पहला आदमी मैं बनना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। इसमें आपकी क्या राय है? इसके बारे में मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जो तेरा दिल कहता है वो करो। सब नारियल गिन लिए ना? हाँ माँ जी। मीटर पंप के बगल में जो पेड़ है उसमें कल दवा डाल देना। अच्छा माँ जी। अब जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। नमस्ते। जिसके पास जमीन नहीं है उसको अपनी जमीन देने का फैसला आप दोनों माँ बेटे ने कैसे कर लिया? दोनों लोगों ने यहाँ की पूरी जायदाद उड़ाने का फैसला ले लिया है क्या? आप चुप क्यों है? क्या आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, ऐसा समझ रही है क्या? तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझिए आप। तेरी माँ आके माँ काली की तरह चिल्ला के, मगर तेरे डैडी ने जो फैसला किया उसे अटल रहे। उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, उसी समय तेरी माँ की शादी की भी तारीख आ गई। उसी समय आरती के यहाँ खाना खाने के लिए तेरी माँ ने जबरदस्ती तेरी डैडी को भेज दिया। तेरी डैडी वहाँ जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे। अरे रे रे रे। आज बहन की शादी का दिन है, आपको बुलाएंगे तो आप नहीं आएंगे ना, इसलिए वो क्या है कि बहन जी ने खाना इधर ही भेज दिया। हाँ जीजा जी, अब तो खुश है ना? सुबह से मेरे पीछे पड़ी थी, उधर जाओ खाना खाओ खाना खाओ, लो खाना इधर ही आ गया, चलो मुझे अंदर खाना खिलाओ। चलता हूँ जीजा जी, चलो बहन को बताते हैं। चलो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? पानी पी ले। कैलाश? कैलाश क्या हुआ? कैलाश ये क्या हो रहा? नानी, मेरे बाप को अगर मेरी माँ ने मारा है तो या तो माँ रहेगी या मेरा परिवार रहेगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा, चाहे मुझे सजा काटनी पड़े। जिसके कारण मैंने अपने भाई को मारा, उसकी बेइज्जती की, गांव वालों के सामने उसको कोड़े से मारा, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। उसे मारने को कहिए नानी, मेरे भाई को मुझे मारने के लिए कहिए। चाचू, गलती चाहे किसी की भी हो लेकिन उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। सजा दीजिए चाचू पापा को।
आपने मुझे भाई मान लिया। दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आप मुझे भी अपना बेटा मानेंगी ना? अरे पापी लोग, मैंने तुम लोगों पे भरोसा करके खाना भेजा था, अगर तुम लोगों ने खाने में जहर मिलाकर मेरे पति को मार दिया जायदाद के लालच में। बहन जी, छी, आप लोगों की बात सुन सुन के आज मेरा ऐसा हाल हो गया है। मैं आपकी सगी बहन हूँ, आपने ये भी नहीं सोचा कि जीजा को मारने से बहन विधवा हो जाएगी। अरे अरे, विलास आएगा तो हम सबको गोली से मार देगा। औरतों को जायदाद से ज्यादा अपने पति की जान प्यारी होती है। हर औरत अपने पति से पहले मरना चाहती है, मगर तू अपने पति से ज्यादा जायदाद को प्यार करती है, इसीलिए तूने अपने पति को मार डाला। तू कैसी औरत है? तू पत्नी के नाम पर कलंक है, तुझे तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे मार डालूं। मार दे बेटा, मार दे। मैंने जितना भी पाप किया, अगर मैं तेरे हाथ से मरूंगी तो मेरे गुनाहों का मेरे प्रायश्चित मिल जाएगा। मार दे, मार दे बेटा, मुझे मार दे। ये दोनों मेरे भाई है, इसलिए मैंने इनको अपने साथ में रखा है। मगर ये लोग हमेशा मुझे डराया करते थे कि जीजा जी दान पे दान कर रहे हैं तो सारी जायदाद लूट जाएगी, तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगी। अगर सारी जायदाद लूट जाती तो मैं रोड पे आ जाऊंगी, इसलिए मैंने इनकी बात मानी। मगर मैं खाने में जहर देकर उनको मारने की कोशिश सपने में भी नहीं कर सकती थी। सचमुच मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी। नहीं विलास, हमने बहुत झूठ बोला है, बहुत चोरी की है, मगर हम खाने में जहर डालने वाले कमीने नहीं है, कमीने नहीं है। गोली मारिए, मारिए गोली, बेशक गोली मारिए, मगर हम बिना असलियत जाने मर जाएंगे। पहले पूरी कौन है पता करिए। हम सिर्फ खाना लेकर वहां पहुंचे थे, आपको यकीन नहीं है तो नानी से पूछिए। माँ बेकसूर है नानी, इन लोगों ने भी जहर नहीं मिलाई है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इन लोगों के वहाँ खाना लाने के बाद वहाँ कोई और आया था क्या? बाद में तो कोई नहीं आया था, इसके आने से पहले दूसरे गांव के दो जमींदार जरूर आए थे। तेरी डैडी से कुछ गरम लहजे में बातचीत करके वो लोग वापस चले गए। आपने कहा था हम सब मालिक हैं, एक साथ हैं, मगर आप काम करने वालों का साथ कभी नहीं देते। आप हमेशा से हमारा साथ नहीं देते हैं। गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, जिसके पास 15 एकड़ से कम जमीन है उस आदमी को जमीन देना है, और आप उसी कानून का साथ दे रहे हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम सब लोगों का क्या हाल होगा? कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हमको लंगोटी बांध के पहाड़ों में घूमना पड़ेगा। अरे काम की बात करो यार। कैलाश, मेरी बात ध्यान से सुनना तुम। जब तक गरीब लोग रहेंगे तभी हम लोग मालिक हैं। अगर सब लोग बराबर के हो गए ना, तो ना मालिक रह जाएगा और ना ही नौकर, सबको बराबर की इज्जत मिलने लगेगी। इसलिए गरीबों को जहां रखना है ना, वहीं पे रखो। भिखारी को अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो अपना औकात भूल जाता है, बाद में अपने आप को राजा समझने लगता है, किसी को इज्जत नहीं करता है, पुरानी बातों को भूल जाता है। कैलाश, हम सबके पास हजारों एकड़ से ऊपर जमीन है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी ये जायदाद हमारे बाप ने दिया, उसके बाप ने नहीं दिया, किसी खैरात में नहीं मिली जमीन, हम इसके वारिस हैं। फिर हम अपनी जमीन जायदाद गरीबों में क्यों बांटे? हमको कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट से हम लोग केस लड़ेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे,
बात नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे भाई। अब आप लोगों ने अपनी बात कह ली, गरीबों को कहाँ रखना है इस बात से आप लोग परेशान है ना। लेकिन क्या वे गुनहगार हैं? हमारे कपड़े पहनने से लेकर खाना खाने तक की चीज को वही गरीब अपने हाथ से बनाते हैं। इन सब चीजों के लिए मजदूर ही चाहिए, काम करने के लिए मजदूर चाहिए, मगर आप लोगों को मजदूर ही पसंद नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, क्या कहा था, खानदानी जायदाद है। आपके पास 100 एकड़ जमीन है, आपके पास 200 एकड़ जमीन है, आपके पास 150 एकड़ जमीन है, आपके पास जमीन है। ये जमीनें आई कहाँ से? ये सारी जमीनें कब, कहाँ, किसने, किसको दिया? पहले जो आदमी शक्तिशाली होता था वो जमीनों पर कब्जा कर लेता था, हड़प लेता था, और जिसे जमीनें नहीं मिलती थी वो गरीब होता था, और उसी को आज हम गरीब बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं। आज चंद्रमा पर रॉकेट भेजते हैं, वहाँ हवा है, पानी है, यही सब पता लगाने के लिए भेजते हैं। पहले बंटवारा नहीं था, कोई जात पात नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, दीवार नहीं थी, कोई देश नहीं था, कोई सरहद नहीं था, सब एक जैसे थे। पहले तो आदमी भी जानवर जैसे थे, बाद में खेत को काटा, घर बनाया, कपड़े बनाए, तब जाकर रहने लायक हुए। उस दिन जो हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े थे, उन्हीं में से कोई आज ड्राइवर बन गया, कोई टेलर बन गया, कोई कूली बन गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई नौकर बन गया, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पहले के जमाने में सबके लिए जमीनें बराबर होती थी, मगर बाद में समय के साथ उसका बंटवारा हो गया, और आज फिर मुझे मौका मिला है तो मैं उसका बंटवारा कर रहा हूँ। कैलाश, खादी पहन के हमको गांधीगिरी सिखा रहे हो क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो साइंस है, फिलोसफी है, लॉजिक है, आप इसको कोई भी नाम दें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। फिर है तो हमसे हाथ जोड़ के बात करने वाले उंगली उठा के बात करने लगेंगे, हमारे सिंहासन पे बैठ करके हमारे सामने आंख दिखा के बात करेंगे, हमको कुछ नहीं समझेंगे। किस सिंहासन की बात कर रहे हैं आप? इस सिंहासन को बनाने वाले वही गरीब हैं, मजदूर हैं, जिसे आप मिटाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उसी सिंहासन पर बैठकर राज भी करना चाहते हैं। ऐसे सिंहासन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस जमीन से जुड़े हुए हजारों मजदूर और गरीब लोगों का प्यार मुझे मिले, मेरे लिए वही सिंहासन है, और उसी में मेरी खुशी है। ये बात आप लोग याद रखिए। आपका फैसला क्या है ये बताइए। जब तक मेरे शरीर में दम है मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार। हाँ जी जाजी, हम आपके डैडी के लिए जब खाना लेके जा रहे थे तो रास्तों में गुड्डू गाड़ी लेकर आया, और जब हम लोग आमने सामने हुए तो आधे घंटे तक हमसे उसका बहस हुआ, बहस से हमको दुश्मनी की बू आ रही थी। विलास और देशमुख की सच्चाई का पता चल चुका है, वो दोनों सीधा इधर ही आएंगे, रास्ते में उन दोनों को काट के फेंक देना। जाओ। Oh!
डैडी के खाने में क्या मिलाया था? बता, क्या मिलाया था? हमने आपके डैडी को हमारी बात मानने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया था, मगर वो नहीं माने। तभी रास्ते में आपका साला उनके लिए खाना लेके जा रहा था। मैं तो मौके का इंतजार कर रहा था, तभी मैंने खाने में जहर मिला दिया। इस तरह हमारा प्लान तो सक्सेस हो गया, तब जाके हमको सुकून मिला। ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। भाई, भाई, हम गरीबों का सहारा आपके पिताजी थे। आपके पिताजी को मारने वाला ये है, इससे हम बदला लेंगे। आप दोनों सलामत रहेंगे तभी हम भी सलामत रहेंगे। इसे मारकर आप जेल क्यों जाना चाहते हैं? आप दोनों भाइयों को मिलाने के लिए पूरा गांव सपना देख रहा था। हमारा सपना आज पूरा हो गया। राम लक्ष्मण जैसे आपको खड़े देखकर हम लोग बहुत खुश हैं। अभी आपको अपने बहुत फर्ज निभाने हैं। लाखों गरीबों के दिल में आपके लिए जगह बना है। आप दोनों हमारे लिए राम लक्ष्मण की जैसे हैं। आप लोग राज करेंगे तो हम लोगों की तकलीफें दूर हो जाएगी। उस पापी को हमारे हवाले कीजिए वरना पुलिस को दीजिए। कुल मिलाकर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम तो अभी और शुरू होगा, देशमुख की शादी की बात। क्या देशमुख की शादी की बात करता है? वो तो मेरी लड़की से शादी करेगा। वो मेरी लड़की से शादी क्यों नहीं करेगा? अरे मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं होशियार भी हूँ। खड़ी हो गई है, बेटा देशमुख तू किससे शादी करेगा? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ, किससे शादी करेगा विलास? ये क्या है? नानी पूछ रही है ना, बताओ। नानी मैंने किसी को पसंद नापसंद नहीं किया, आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। अच्छा मेरी प्यारी पोतियों, आप दोनों में से कौन शादी करेगा और कौन त्याग करेगा? हम दोनों सोचने के लिए वक्त चाहिए। ले लो, इसमें क्या है? क्यों, तेरी लड़की को वोट नहीं मिलेगा क्या? ये क्या कॉन्फ्रेंस इलेक्शन है? मेरी लड़की तो ज्यादा लीड से जीतेगी। इलेक्शन की डेट बताइए, जीत हमारी होगी। इधर क्यों देख रहा है, उधर देखना। तो बताओ तुम लोगों ने फैसला कर लिया? हमने फैसला कर लिया। हम दोनों देश से ही शादी। अरे बाप रे, नानी।